So guys, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग। हम करने वाले हैं अपने एंड्रॉइड फोन को iOS में कन्वर्ट, और ये हम कैसे करेंगे इसके लिए गाइस थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ा है, जो कि काफी ज्यादा सिंपल है आप लोगों के लिए करना, क्योंकि मैंने वीडियो में सब चीज बता रखी है। इसके लिए आप लोगों को कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करने पड़ेंगे जो कि बहुत ही कम एमबी के हैं। तो इसको आप लोग 2-4-5 MB के एप्लीकेशन है, इनको आप लोगों को एक दो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और आप लोग अपने एंड्रॉइड फोन को यहाँ पर पूरी तरह से यूज कर पाओगे iOS की तरह। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सेम आप लोगों को इंटरफेस सब कुछ देखने को मिल रहा है, पूरा कंट्रोल सिस्टम, और यहाँ पर आप लोगों को सभी चीजें टोटल आप लोगों को देखने को मिलेगी सेम आईफोन की तरह। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, चलिए फटाफट से हम अपना प्रोसेस जो है स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है लॉन्चर iOS 16 प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसको ओपन करोगे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा यहां पर चेंज आइकन का, वहां पर क्लिक करोगे आप लोगों को नीचे टिक मार्क के ऊपर क्लिक करके सिंपली यहां पर iOS 16 के ऊपर क्लिक कर देना, आपका जो पूरा का पूरा इंटरफेस है वो यहां पर चेंज हो जाएगा। एंड देन हमारी जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो है लॉक स्क्रीन iOS 15, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ओपन करोगे ऊपर लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे, ऐड हटाओगे, आप लोगों को ऊपर एक इनेबल का ऑप्शन मिलेगा, इसको इनेबल कर दोगे। उसके बाद में आप लोगों की यहाँ पर जो आप लोगों की जो लॉक स्क्रीन है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। बस आप लोगों को नीचे क्या करना है, पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पासवर्ड अपना लगा देना है। पासवर्ड लगाने के बाद आप लोग देख सकते हो सेम आईफोन वाला लुक आप लोगों को लॉक स्क्रीन दिखेगी। ये चीज परफेक्टली अप्लाई करने के बाद आपको थर्ड एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, कंट्रोल सेंटर iOS 15। इसको आप डाउनलोड करके जैसे ही ओपन करोगे ऊपर इनेबल का बड़ा सा ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आप लोगों को कट कर देना है एप्लीकेशन को, ठीक है। इनेबल करने के बाद आप लोगों को साइड से जब हल्का सा आप लोग स्लाइड करोगे वहां पर आप लोगों को एक कंट्रोल सेंटर दिखेगा, जो कि सेम iOS की तरह ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है, ये चीज कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन है असिस्टिव टच iOS 15, इसको भी आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ओपन करोगे जैसे ही आप लोगों को बस इसको परमिशन अलाउ करना है, और ये आप लोगों का जो है ऑटोमेटिकली यहां पर जो इनेबल कर दोगे उसके बाद में ऑटोमेटिकली यहां पर ऊपर आप लोगों को शो होने लगेगा, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आप लोगों के लिए यहां पर जो असिस्टिव टच है ये आप लोगों को देखने को मिल जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एप्लीकेशन है वॉल्यूम स्टाइल कस्टम कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओपन करोगे तरह तरह के आप लोगों को वॉल्यूम कंट्रोल के यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग जो सा भी चाहो सेलेक्ट कर सकते हो। हमको काम है आईफोन वाला, मतलब iOS वाला, तो हम यहाँ पर iOS वाले को यहाँ पर सेलेक्ट करके रखे हुए ऑलरेडी। इसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों को बस ऊपर स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे स्टार्ट कर दोगे आप लोग, बस आप लोगों का जो ये है वॉल्यूम बटन वो कस्टमाइज्ड हो जाएगा। तो हमारा प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट, सारे स्टेप हमने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको बता दिया और कर दिया है। अब हमारा जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो iOS को हम कंपेयर कर रहे हैं एंड्रॉइड से, जो कि मैंने अभी सेटअप करा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिल्कुल सिमिलैरिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। सो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर करें, चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लें, ऐसे यूनिक यूनिक वीडियोस के लिए, ऐसी कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।